नमस्कार, सिटी लाइफ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 का जोर है और तब लॉकडाउन में बैठे हैं और रोज हमारे पास व्हाट्सएप पे या टीवी पे या अदर सोर्सेस से न्यूज आती है कि कोरोना वॉरियर्स का हमारे लोग स्वागत कर रहे हैं, उन लोग उनको सल्यूट कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को बहुत ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने फरायज को अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं शांति से, लेकिन नजर में नहीं आते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, समाज की सेवा करते रहते हैं और हमारे तक पहुंचते रहते हैं बिना हमको नजर आए बहुत ज्यादा। तो मैं बात कर रहा हूँ कुछ बेसिक सर्विसेज की, कुछ जो हमारी जरूरत के सामान है जिनकी रोज सुबह शाम हमारे को जरूरत पड़ती है, और उसी में से एक हमारे लिए है मिल्क, दूध। और इस दूध को हमारे डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए जो एक संस्था न सिर्फ अपना प्रोडक्शन कर रही है बल्कि हमारे डोर स्टेप तक पहुंचाने का काम भी कर रही है, वो है रूफिल। रूफिल एक मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है जो बहुत लंबे टाइम से तो नहीं, पिछले 2 साल से जयपुर में कार्यरत है और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक जोशी आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। मैं अपनी भूमिका के अंदर भूल ही चुका हूँ कि आप जो कर रहे हैं उसको हम सैल्यूट करते हैं। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और बताना चाहूंगा कि अभिषेक जोशी जी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक करते हैं जिसने शेखावटी से शुरुआत की और स्विट्जरलैंड तक अपनी सेवाओं और अपने नाम का परचम लहराया और पूरे राजस्थान को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को जोशी परिवार के ऊपर गर्व है। तो अभिषेक जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि इस लॉकडाउन के अंदर आपको इनिशियली क्या प्रॉब्लम, अब तो आप लोग स्मूथ हो गए पिछले 1 महीने से करते करते, लेकिन इनिशियली आपने क्या प्रॉब्लम फेस की? अच्छा जी, जब से लॉकडाउन हुआ है 22 को जब जनता कर्फ्यू लगा था, तो एक इमीडिएट पूरा सप्लाई चेन को अगर प्योरली बिजनेस की बात करें तो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ एक तरफ किसान भाई जुड़े हुए हैं जिनसे हमको डेली का दूध कलेक्शन करना होता है, और दूसरी तरफ सारे रिटेल नेटवर्क है, दुकानदार हैं, कंज्यूमर्स हैं जो कि प्रोडक्ट्स का वेट कर रहे होते हैं डेली। सो वो दोनों चीज़ें अचानक से एक बार को डिस्टर्ब हुई थी एंड देयर वाज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन कि कैसे होगा, क्या होगा। वो सिर्फ एक दिन की बात थी, तुरंत उसके उसी रात या उसके अगले दिन मेरे ख्याल से राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया था ऑनरेबल CM ने। तो एकदम से आप ये मान सकते हो कि पूरा फार्मर नेटवर्क और सिमिलरली पूरा जो हमारा रिटेल नेटवर्क है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। कन्फ्यूजन की स्थिति थी थोड़ी सी कि इस ये चीज़ कितनी लंबी चलेगी, इसमें एसेंशियल सर्विसेज लाइक मिल्क और फूड प्रोडक्ट्स अलग अलग जो होते हैं वो क्या कंटिन्यू रहेंगे नहीं रहेंगे। सर्कुलर्स ऑब्वियसली तुरंत तुरंत सरकार की तरफ से आ रहे थे कि एसेंशियल सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी, तो वो एक थोड़ी सी फिर क्लैरिफिकेशन जब आना चालू हुआ तो फिर सिचुएशन एक दो दिन में क्लियर हुआ। बट उसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि भले ही अपने को स्टार्टिंग से ये नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं कि दुकानों को खुलना दिया जा सकता है जो कि एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बट क्या है कि इतना फियर फैक्टर जब हो जाता है तो दुकानदार भी 5 बार सोचता है कि मैं जाऊँ ऐसी स्थिति में, दुकान खोलूँ नहीं खोलूँ। तो आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 30-40% दुकानें जो खुल सकती थी तो भी वो खुल नहीं रही थी, क्योंकि एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है कि ऐसी स्थिति में कोई खोलेगा नहीं खोलेगा, तो उसका असर डेफिनेटली बिजनेस पर तो आता ही है। तो वो जब हमने 2-3 दिन देखा, 4 दिन ऑब्जर्व किया कि शॉप्स में ओपनिंग में इशू आ रहा है, किसी किसी एरिया में जहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ पर वैसे भी प्रशासन उसको बंद करा के रखता है वहाँ की शॉप्स को, विच इज़ दी करेक्ट थिंग आई थिंक सो। तो हमने फिर दूसरा तरीका तुरंत अपनाने की कोशिश करी है कि कैसे हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुँचें, क्योंकि दूध की ज़रूरत सबको है, दूध दही छाछ डेली सबको चाहिए ही चाहिए, तो वो डिमांड ख़त्म नहीं हुई है, बट उस रिक्वायरमेंट को पूर्ति कैसे की जाए जो कि अभी तक दुकानदारों के द्वारा की जा रही थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल जो दुकानदार दुकानें खोल रहे थे, आ रहे थे, हिम्मत जुटा रहे थे, उनके माध्यम से तो प्रोडक्ट पहुँच ही रहा था। बट साथ ही साथ अलग अलग एरियाज में जहाँ भी हम डायरेक्टली पहुँच सकते हैं कंज्यूमर के पास वहाँ हम पहुँचने की फिर कोशिश कर रहे थे। तो फर्स्ट वीक काफ़ी डिफिकल्ट रहा, बहुत डेली लेवल पे हमको मॉनिटर करके चीज़ों को चेंज करना था। इस कोविड-19 ने सबको ये सिखाया है कि
चाहे वो बिजनेस हो चाहे अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल हो, आपको नथिंग हैज टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड. यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड यू हैव टू अडैप्ट टू द सिचुएशन वेरी क्विकली. तो प्योरली अगर रूफिल के परस्पेक्टिव से अगर बोलें तो सॉरी हमारी टीम ने भी बहुत जल्दी उस चीज़ को अडैप्ट किया. मेरी जो सेल्स टीम है उसमें हमारे करीबन 15 से 18 जने हैं जो अभी जयपुर मार्केट में वर्क करते हैं. तो उन सब ने भी बहुत फटाफट सिचुएशन को समझा और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी कि हम घर घर अपने व्हीकल से अपने बाइक से कैसे उन लोगों तक पहुँचें. तो यस, फर्स्ट वीक वॉज डिफ़िकल्ट. अभी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं बट जैसे भी अब एक्सटेंशन होता जा रहा है तो थोड़ा सा लैक ऑफ क्लैरिटी है अभी ओवरऑल सिनेरियो में कि अभी आगे क्या होगा. अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे एक एरिया में आप सप्लाई कर रहे हैं, स्मूथली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सडनली वहां पे पेशेंट पकड़े जाते हैं और वहां कर्फ्यू लग जाता है, तो उस दौरान आप कैसे मेंटेन करते हैं या टीम क्या प्रिकॉशंस लेती है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी अपनाती है? नहीं, डे वन से ही हमने जब से ये डोर डिलीवरी का प्रोसेस चालू किया था, सो फर्स्ट थिंग जो हमने अपनी टीम को क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया और उनको जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, उनके मास्क हैं, ग्लव्स हैं, आपके सैनिटाइजर्स हैं, वो सब उनको डे वन पे हमने प्रोवाइड किया. उसके बिना हमने उनको जाने भी नहीं दिया बिकॉज उनकी जिम्मेदारी कंपनी की है. दूसरा, उनको प्योरली प्रॉपरली काउंसिल करके डायरेक्टली मेरे द्वारा चाहे एचआर टीम के द्वारा कि दे हैव टू मेंटेन ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस, कहीं पे टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. तो उसमें हम ये भी ध्यान रखते थे कि भैया आप कोई कैश भी हैंडल नहीं करोगे, आपको कैश अगर लेना भी है सो कीप इट इन अ सेपरेट बैग एंड ऑल दोज थिंग्स. तो अभी जब से ये स्टार्ट किया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेफ्टी का तो हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है, बट जब भी किसी एरिया में इस तरीके से कर्फ्यू लगना या ब्लॉकेज हो जाते हैं रास्ते, तो वी स्पीक विद दी एडमिनिस्ट्रेशन कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको कैसे सप्लाई किया जा सकता है एंड जो भी उस एरिया का इंचार्ज रहता है वो हमको अलाउ करता है कि आप बहुत ही स्पेसिफिक टाइमिंग्स में वहाँ जा सकते हैं. कई जगह पर जैसे कि श्यामनगर के साथ, हम श्यामनगर एरिया में हम इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि यहाँ की श्यामनगर समिति जो है वो काफ़ी एक्टिव है, तो उनकी मदद से इनके काफ़ी वॉलेंटियर्स हैं जो घर घर जाके रूफिल के साथ मिलके और सप्लाई करते हैं. सो वी फर्स्ट मेक श्योर कि डेली जब भी होए वहाँ पर टेम्परेचर चेक्स होके ही होए, जो भी वॉलेंटियर आ रहा है चाहे हमारी खुद का टीम का बंदा है, हम एक सेंट्रल पॉइंट पे कलेक्ट हो जाते हैं. वी डेली चेक द टेम्परेचर्स एंड बेसिक कोई खास नहीं रहा है ऑल दीज थिंग्स. बिल्कुल. एंड उस चेक के बाद फिर हम उस टीम को अलाउ करते हैं कि ठीक है आप लोग जा सकते हो, बिकॉज ये लोग ही जा रहे हैं जो घर घर पहुंच रहे हैं, तो दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू सो मेनी अदर पीपल एंड सिमिलरली जो लोग रिसीव कर रहे हैं वो लोग भी इन लोगों से मिल रहे हैं. तो वो हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम इंश्योर करते हैं कि हम सब चेक करके ही भेजें. हमारे सारे व्हीकल्स हैं उनको डेली सैनिटाइज करते हैं सुबह और शाम, चाहे वो प्रोक्योरमेंट का व्हीकल हो, चाहे हमारा सप्लाई का व्हीकल हो, चाहे कोई बाइक हो, जो भी है उसको हम डेली जो भी गाइडलाइंस दे रखी हैं मिनिस्ट्री ने उसके हिसाब से हम डेली उनको सैनिटाइज करते हैं. एंड फाइनली वी इंश्योर दैट वेर एवर वी आर गोइंग हमारी टीम हमेशा सारे सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ जाए. बट ये ज़रूर देखा मैंने कि जब भी कोई एरिया में कर्फ्यू ऑब्वियसली लग रहा है तो एकदम से वहाँ पर घर घर पहुँचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वी मेक श्योर दैट जो चल रहा था प्रोसेस उसको हैम्पर नहीं हुए एंड ऑब्वियसली पुलिस का उसमें जो सपोर्ट रहता है वो फिलहाल काफ़ी अच्छा है. सो दे आर ऑलवेज सपोर्टिव इन दैट कि ठीक है उनको भी पता है कि ये चीज़ें पहुँचानी ज़रूरी हैं, सो दे हेल्प अस, दे सपोर्ट अस, विच इज़ गुड. बिल्कुल. अब मेरा अगला सवाल अभिषेक जी ये है आपसे कि देखिए काम तो सब जगह इंसान ही कर रहे हैं, दुकानदार भी इंसान है और फार्मर भी इंसान है और जो लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं वो भी इंसान है, इंसान को इस बीमारी से थोड़ा सा डर लगता है. तो शुरुआत में बिगनिंग में ऐसा हुआ था कि टीम को आपको कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ी है, एक मोटिवेटर के रूप में आपको सामने आना पड़ा? नहीं, बहुत ज्यादा, दिस इज अ वेरी एप्ट क्वेश्चन. ये बहुत मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में काफी एक्यूरेट क्वेश्चन है कि ये सिचुएशन भी हमको फेस करनी पड़ी थी और शायद अभी भी लोगों को मतलब वो फियर फैक्टर या डर जो है, जो कि एक अननोन वायरस है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है या ज़्यादा नहीं पता है ये कह सकते हैं. तो टीम में तो डेफिनेटली एक फियर फैक्टर डे वन पे था कि जब राजस्थान में एक पहला केस आया तो आया भी जयपुर में ही था, तो सबको ये था कि अरे यहीं पर आया है और अब कैसे होगा क्या होगा.
तो डेफिनेटली फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव जितने भी हमारे कंपनी के सीनियर लोग हैं, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भैया सेफ्टी का भी ध्यान रखना है अपने को, बट ऑल्सो सिंस वी आर पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, हम एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, सो अभी इस स्थिति में हम पीछे नहीं हट सकते भाई। आज अगर इस तरीके की तकलीफ आई है और लोगों तक अब दूध की और वो चीज़ें हमको पहुँचानी है, तो हम पीछे तो नहीं हट सकते। तो हमने पूरी टीम मीटिंग बुला के सबको इस सिचुएशन के बारे में बताया कि ये सिचुएशन है, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे जा सकते हैं और हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। बट अभी इस सिचुएशन में हम अगर हम पीछे हटेंगे तो वो बिजनेस तो चलो एक मैटर है ही कि वो ठीक होगा या नहीं होगा, बट समाज के प्रति भी जो हमारी जिम्मेदारी है उसमें हमको पूरी तरीके से उसको निभाना है। तो मैं मानता हूँ कि वो हमारी जो फर्स्ट टीम मीटिंग हुई इस तरीके से, जिसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में थे कि नहीं नहीं हम तो काम नहीं करेंगे, हमारे पेरेंट्स का प्रेशर है कि ऐसा भी क्या ज़रूरी है काम पे जाना, किसी किसी कोई कोई लोग यहाँ पर अकेले रह रहे हैं तो उनको ये था कि जो मतलब कुछ फ्लैटमेट्स के साथ रहते हैं तो मैं काम पे जाऊँगा, वो लोग काम पे नहीं जा रहे तो उनको रिस्क लगता है। तो इस तरह के सारे सिचुएशंस आए थे जो कि हमने केस बाय केस बेसिस पे हैंडल करे और सबको समझाया कि यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस्ड कि जो भी आपको सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही हैं, चाहे आपको डायरेक्टली डेली हम पिकअप करा रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं फैक्ट्री में का फैक्ट्री ऑपरेशंस है, तो या फिर जो फैक्ट्री के अंदर हम इंश्योर कर रहे हैं कि सारे सेफ्टी हाइजीन सैनिटाइजेशन सब चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा, तो उस एंड पे वो काफ़ी ये मान लीजिए कंट्रोल हो गया था, वो सबके इमोशंस पहले दो दिन जो थोड़े से फियर के थे वो कंट्रोल हो गए कि हाँ ठीक है सब कुछ नॉर्मल है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे बड़ा चैलेंज जो आया था वो फील्ड टीम के साथ आया था, जो हमारी सेल्स टीम है, क्योंकि उनको तो डेली फील्ड में जाना है, वो डोर टू डोर सप्लाई करना है, और मैं उनसे कैसे हम ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि आप डेली बाहर जाएंगे और आप उस चीज़ को सप्लाई करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि आई एम वेरी लकी टू हैव अ टीम कि जो कि मेरे ख्याल से फर्स्ट दिन के बाद जो उनका एक नेचुरल जो रिएक्शन था कि सर हाउ विल वी डू दिस, उसके बाद 80-90% ऑफ द टीम वो सो हैप्पी एंड अपफ्रंट टू डू दिस सर्विस कि नहीं नहीं हमको जाके करना है, वी विल डू इट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर जॉब बट ऑल्सो फर्स्ट टू डेज। जब वो गए थे तो उनको जो रिएक्शन जनता से मिला, तो 22 तारीख को तो जनता कर्फ्यू में मोदी जी ने सबके लिए थालियां भिजवाई थी, बट आई थिंक सो इट वॉज 24th or 25th, जहाँ जहाँ पे हमारी टीम जा रही थी लोग गलियों में निकल के या फिर अपने घरों के बाहर बालकनी में खड़े होकर थालियाँ बजा रहे थे। सो दैट वॉज वेरी एनकरेजिंग फॉर द टीम ऑल्सो कि जो हम कर रहे हैं वो कितना ज़रूरी है और कितना अच्छा चीज़ है कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उसके बाद से उन लोग का भी मोटिवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और जब फ्रॉम कंपनीज परस्पेक्टिव अगर देखें तो जब हम उनको ये पूरा सेफ्टी वगैरह के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उनकी हर एक बात को सुनते हैं, और ऐसा नहीं कि हम उनको ऐसे स्पेसिफिकली सेंसिटिव एरियाज में भेजना चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर हम भी जाएँ, वहाँ पर हम तभी जाते हैं जब पुलिस का कोई सपोर्ट रहता है हमारे साथ कि ठीक है एकदम कंट्रोल्ड मैनर में वो मूवमेंट हुए। तो वो सब जब उनको फील हो रहा है कि हाँ नहीं सब कुछ अंडर कंट्रोल है एंड इट इज़ द फाइनल प्रिकॉशन जो खुद को लेना है वो आपको ज़रूरी है वो तो है ही, बट इनिशियल 2-3 days के बाद ये कह सकते हैं कि सेल्स टीम को जब ये रिएक्शन मार्केट से मिलना चालू हुआ, कंज्यूमर से मिलना चालू हुआ कि सर आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट, तो मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा या हमारी टीम के मैनेजमेंट से ज़्यादा उनको जब वो रिएक्शन फील्ड से मिला वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी दैट टीम फुल ऑन काम कर रही है अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू पीपल जो कि कहीं ना कहीं अटक गए हैं, कहीं चले गए थे, अब वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है, बट बाकी पूरी टीम इज कम्प्लीटली ऑन द फील्ड एंड रूफिल इज वेरी लकी टू हैव, आई मस्ट से दैट रूफिल इज वेरी लकी टू हैव दिस सेल्स फोर्स। अब मेरा एक और सवाल है, सवाल थोड़ा सा जो मैंने आपसे पूछा है लगभग वही है सवाल, लेकिन अब सवाल का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके परिवार का क्या रिएक्शन था, मालूम है आपकी दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियां हैं, तो पूरा परिवार है, मम्मी पापा सब कुछ, आप जब जा रहे हैं, आप जब ऑपरेशन कर रहे हैं, आप जब फैक्ट्री जा रहे हैं, आपके परिवार का क्या रिएक्शन? नहीं देखिए रिएक्शन एज सच कोई बहुत ज्यादा आया नहीं क्योंकि मैंने आने दिया भी नहीं, बिकॉज इट वॉज वेरी क्लियर कि इफ़ आई एम नॉट गोइंग देन नोबडी एल्स विल कम। तो जिस दिन मैं निकला था तो फर्स्ट आई थिंक 22nd की बात है, तब तो खैर जनता कर्फ्यू था तो उस दिन तो ऑपरेशन वैसे ही बनता, बट 23rd को जब हम जा रहे थे तो इट वॉज वेरी क्लियर कि अगर हम लोग ही नहीं जाएंगे
तो बाकी सेल्स टीम को कौन बुलाने की चेष्टा करेगा, तो वो बहुत क्लियर था. ऑब्वियसली उनको वरी तो उनको भी अभी भी था, पहले भी था, अभी भी है कि आप डेली जाते हो और कभी फैक्ट्री जाते हो, कभी ऑफिस जाते हो, तो कैसे मैनेज कर रहे हो. डेली दे आर आस्किंग कि किससे मिलते हो, कैसे मिलते हो. माय फादर कीप्स आस्किंग दैट, तो वो एकदम नेचुरल है, वो होना भी चाहिए. आई विल बी वरीड इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, बट आई थिंक सो वो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग इन दैट सेंस कि they are aware ki we are taking all precautions and they are aware that this is an important thing to be done in the current situation ki hum isko band nahi kar sakte, especially jab essential services ko on rakhna zaruri hai. So wo cheez unko pata hai. And finally of course agar top management ya koi bhi, chahe wo production mein general manager ho company ka, chahe operations ka operations manager ho, chahe main hu, हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर बाकी टीम को, हमारे को कोई हक नहीं बनता कि हम उनको रिक्वेस्ट करें कि आप भी काम पे आओ. सो वी हैव टू डू दैट एंड व्हाइल वी आर डूइंग दैम, अगर हम ये कर रहे हैं तो हम साथ में ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम कोई सिर्फ एग्जांपल सेट करने के लिए नहीं कर रहे, हम ये इंश्योर भी कर रहे हैं साथ में कि हमारी सेफ्टी भी बनी रहे, बाकी टीम की भी सेफ्टी भी बनी रहे. और जितना बेस्ट काम अभी हम इस सिचुएशन में कर सकते हैं उतना बेस्ट से बेस्ट कर सके, दो इट माइट नॉट बी 100% जो हम एक नॉर्मल सिचुएशन में करते हैं. हमारी सेल्स में भी इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली देर इज नथिंग टू से अबाउट दैट कि हमारी सेल्स ड्रॉप नहीं हुई है. जब नॉर्मल मार्केट सिचुएशन नहीं है तो सभी कंपनीज की सेल में भी ड्रॉप है. बट ज़रूरी ये है इस टाइम पे कि जितना भी हम कर सकते हैं, जो भी हम एफर्ट कर सकते हैं वो करेंगे. अगर कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होएगा, तो वो तो सबसे ईजी तरीका है रिजल्ट लेने का. बट अगर कुछ भी करेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होएगा. सो उस उम्मीद से हम निकलते हैं डेली कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें. And I'm happy that the families of everyone have been understanding and supportive. There are zaruri hai kabhi kisi sales team ke member ke kisi father ka phone aata hai, to kabhi kisi ke kisi aur parent ka phone aata hai. So we absolutely leave it to the person ki aap agar khud confident ho to aap zarur aao. There is no pressure. I mean, there is no pressure ki aapko aana hi hai ya bhai hum aapko nahi rakhenge job pe ki agar aap nahi aaoge to. Obviously that is never the case. So जो भी आ रहा है वो पूरी सिचुएशन को समझ के स्वेच्छा से ही आ रहा है. तो मैं भी अगर जा रहा हूँ तो मैं मेरी स्वेच्छा से जा रहा हूँ. एंड ऑब्वियसली आई हैव टू टेक माय फैमिली इनटू कॉन्फिडेंस. तो उनको हाँ कह सकते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा था कि क्यों जा रहे हो, अभी करना ज़रूरी है क्या. बट जब वो पूरी सिचुएशन क्लियर होती है कि नहीं नहीं वी हैव टू रन दिस शो एंड द होल टीम हैज टू बी मोटिवेटेड, तो वो सब उस चीज़ को समझते हैं डेफिनेटली. तो अभी सिचुएशन इन कंट्रोल है. नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और एक कहावत है अभिषेक जी, यथा राजा तथा प्रजा. तो रूफिल इज लकी टू हैव अ लीडर लाइक यू. तो आप उनको लीड कर रहे हैं तो पूरी की पूरी टीम मोटिवेटेड रहती है. इस अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या मैसेज एज अ इस पूरी सिचुएशन में आपने क्या मैसेज लिया है और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सोसाइटी को, क्योंकि हमारे इस सेशन ये शाम को लाइव होगा, सब लोग देखेंगे इसे, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म मैसेज तो दो तरह के मैसेज देना चाहूंगा मैं. शॉर्ट टर्म इज कि डेफिनेटली जो भी अपन अभी फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में वो अपन कंटिन्यू करें, बिकॉज अभी ये बहुत जरूरी है टू ब्रेक दैट चेन ऑफ स्प्रेडिंग. तो वट एवर इंडिविजुअली द कंपनीज कैन डू टू इंश्योर कि आप लोगों तक आपकी एसेंशियल सर्विसेज पहुंच सकें, वो सब अलग अलग कंपनीज, हम ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो कोई और फूड प्रोडक्ट को लेकर हो, सब्जियां हो और आपकी जो डेली नेसेसिटीज़ हैं वो हों. सो एवरीबडी इज आउट देयर हु इज हेल्पिंग, हु इज देयर टू हेल्प. सो वी शुड कंटिन्यू टू फॉलो दिस लॉकडाउन, बिकॉज एक बार वो चेंज जब ब्रेक होएगा, जब वो स्प्रेड कंट्रोल में आएगा, तो हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पे तभी जा पाएंगे. सो लेट अस कीप फॉलोइंग दैट लॉकडाउन. इन द लॉन्ग रन आई थिंक सो द मैसेज और द सिचुएशन आई सी इज दैट दिस हैज डेफिनेटली टॉट अस, ये सिचुएशन जो आई है इसने अपने को जरूर टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स ये अपने को कुछ सिखा के जा रही है कि नथिंग शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड इन द सेंस कि वी आर द टॉप बॉस. There is someone above us who can change things very quickly. And ये बहुत
मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग है कि आज से आप एक महीने पहले की सिचुएशन देखो और आज की सिचुएशन देखो, एकदम जमीन आसमान का अंतर है अपने सबकी लाइफस्टाइल में. सो कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है. सो समटाइम्स वी एज ह्यूमन बींग्स वी स्टार्ट थिंकिंग कि हम सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, बट शायद वो हम हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते. दिस इज प्रॉब्ली गॉड्स वे ऑफ टेलिंग अस दैट हु इज द बॉस. बट दैट इज गोइंग टू चेंज होपफुली. एंड आने वाले टाइम में मे बी इट माइट टेक सम टाइम, बट द वन गुड थिंग विद ह्यूमैनिटी इज दैट वी ऑलवेज कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउन साइड और चैलेंज और कैलामिटी वी फेस. सो इन द शॉर्ट टर्म येस लेट्स फॉलो द लॉकडाउन, बट लेट्स नॉट बी टू हाउ शुड आई से डिप्रेस नहीं होना चाहिए या इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत ही कुछ खराब हो गया है पूरी दुनिया के साथ. वी विल श्योरली कम आउट ऑफ इट. We'll surely come out of it. It might take some time. We will surely come out of it. We might take some phase to come out of it. But हम इससे जरूर निकल के बाहर आएंगे. जी, और मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं खत्म करूं कि अभिषेक जोशी जी के बड़े भाई हैं डॉक्टर नलिन जोशी, वो और उनकी पत्नी दोनों COVID-19 के फाइटर्स में पूरे राजस्थान के सबसे अग्रणी लोगों में से एक है. और डेफिनेटली मैं ये चाहूंगा कि अब अगली बार मैं नलिन भाई से भी बात करूं, क्योंकि वो इतने ज्यादा बिजी हैं कि मुझे मौका उसको मतलब उनसे छीनना पड़ेगा टाइम किसी ना किसी तरह ताकि मैं उनसे बात कर सकूं. अब ये बहुत अच्छा लगा आपने वक्त दिया और आपकी बात हम तक पहुंची और जो एक दूध की थैली हमारे घर पे घंटी बज के आ जाती है उसके पीछे कितना संघर्ष है, कितनी लंबी जद्दोजहद है और कितना कमिटमेंट है उसके अंदर कि नहीं हमें कुछ करना है, ये आज हमें समझ में आया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू अर्षद जी. थैंक यू फॉर हैविंग दिस इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग द स्टोरी ऑफ दीज एसेंशियल वर्कर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. थैंक यू. स्वागत. सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स. बढ़िया यार, आप तो क्या फ्लॉलेस बोल